किसान भाई बहनों, ये सच है कि किसी भी देश का विकास करना है या उन्नति करनी है तो बिजली की मांग को पूरा करना होगा। बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण की दिशा में बहुत सी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। उनके इस सराहनीय कार्य को सम्मानित करने हेतु हाल ही में 10th इनर्शिया पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है इसकी एक रिपोर्ट। शहर हो या गांव, दैनिक दिनचर्या, आवागमन और प्रगति को गतिशील बनाए रखने के लिए जरूरत होती है ऊर्जा की। ऊर्जा की बढ़ती मांग और घटते ऊर्जा स्रोतों के कारण प्रगति के पहिए की गति धीमी हुई, लेकिन ऊर्जा मांग की आपूर्ति के लिए प्रकृति की गोद में समाए अक्षय ऊर्जा स्रोत अर्थात नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जन जन की ऊर्जा आवश्यकता के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वर्ष 2019 तक सभी घरों, उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों को लगातार एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति की सरकार की योजना है। बिजली उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के स्तर पर विभिन्न संस्थाएं उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। ऐसी ही संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए पिछले दिनों नई दिल्ली में चिरस्थायी ऊर्जा एवं विद्युत क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए भारत और दक्षिण एशिया पुरस्कारों के लिए 10th इनर्शिया पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉ. उपेंद्र त्रिपाठी, पूर्व सचिव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मुख्य अतिथि थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डॉक्टर त्रिपाठी को सौर ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय कार्यों के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर्वोत्तम संग्रह बहुउद्देश्य पन बिजली परियोजना के लिए NHDC को तथा बेस्ट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के लिए सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड को पुरस्कृत किया गया। बेस्ट परफॉर्मिंग थर्मल एंड कन्वेंशनल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए ओडिशा स्थित तलचर कनिहा सुपर थर्मल पावर स्टेशन को तथा तमिलनाडु स्थित कमूथी सोलर पावर प्रोजेक्ट को विश्व की विशालतम सौर ऊर्जा परियोजना के लिए सम्मानित किया गया। भूमंडलीय प्रभाव स्थापना के क्षेत्र में भारत के सर्वोत्तम ऊर्जा क्षेत्र उपक्रम के लिए वापकोस लिमिटेड को तथा ऊर्जा पारेषण क्षेत्र में सर्वोत्तम श्रेणी में गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया। बिजली वितरण के लिए बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड को तथा CESC लिमिटेड कोलकाता को यूटिलिटी एवं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सम्मान से नवाजा गया। पावर एवं एनर्जी परसोना पुरस्कार के लिए JSW एनर्जी लिमिटेड को तथा पावर परसोना ऑफ डेकेड अवार्ड अडानी पावर लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री विनीत जैन को तथा मेक इन इंडिया ट्रॉफी के लिए गामेशा रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड को चुना गया। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एवं एंटरप्राइज इनोवेशन के लिए BGR पुरस्कार BHEL को तथा प्रदीप पिंपले ट्रॉफी NTPC नेत्रा को प्रदान की गई। बेस्ट नोडल एजेंसी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी पुरस्कार से तमिलनाडु एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को तथा बेस्ट बंगाल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को सम्मानित किया गया। ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को, ग्रासरूट इंपैक्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए श्री राजेंद्र कुमार कोड़ा को तथा हाइड्रो पावर क्षेत्र में पावर एवं एनर्जी पर्सन पुरस्कार NHPC लिमिटेड के श्री KM सिंह को मिला। हाइड्रो पावर क्षेत्र में पावर एवं एनर्जी पर्सोना अवार्ड सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड के श्री RN मिश्रा को तथा सौर ऊर्जा क्षेत्र में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अश्विनी कुमार को सम्मानित किया गया। डायमंड स्टेट अवार्ड तमिलनाडु राज्य को, प्लैटिनम स्टेट अवार्ड पश्चिम बंगाल राज्य को तथा गोल्डन स्टेट अवार्ड सिक्किम राज्य को मिला। स्टेट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया वज्र पुरस्कार
गुजरात राज्य को मिला। ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को निरंतर प्रोत्साहित करने में जुटी संस्था इनर्शिया फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर एजी अय्यर ने इस पुरस्कार समारोह के उद्देश्य के बारे में बताया। हम चाहते हैं कि गांव-गांव और कस्बा-कस्बा और एकदम कोने में भी बिजली पहुंचे, और वो भी तह तक पहुंचने के बाद वो अफोर्डेबल रहे। मतलब वो इस तरह से ना हो कि लोगों की जेब को हल्का कर जाए इस बुरी तरह से कि लोग आगे जी नहीं पाए। सस्टेनेबिलिटी कि ये बार बार हर जनरेशन के अंदर आए और सबको बिजली हम सस्ती नहीं कहेंगे लेकिन अफोर्डेबल, जिसको आप सही प्राइस कहते हैं सही मायने में, कि पैसा दें और सही बिजली मिले, क्वालिटी में और क्वांटिटी में। हम ये कह रहे हैं कि हर आदमी को मिले, हर घर को मिले, तो ये हमारा उद्देश्य है। तो टेक्नोलॉजी जो है इसका बहुत बड़ा रोल होगा, विकेंद्रीकरण होगा, केवल ग्रिड से बिजली नहीं भेजी जाएगी, इसलिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बाकी छोटी छोटी ऊर्जा स्रोतों को इस्तेमाल करना और गोबर गैस से बिजली बनाना, ये सब फ्यूचर हैं। उसके अलावा छोटे स्ट्रीम, छोटे नदी नाले, उसमें से स्मॉल हाइड्रो माइक्रो हाइड्रो, इनकी जो पावर को अनलिश करना है। ये देश जब उस रास्ते पे चलेगा तो गांव का भेज पाएगा, क्योंकि हमारे गांव जो हैं कम बिजली चाहते हैं, लेकिन 65% लोगों का इम्पैक्ट होगा इसमें। 20% जो बिजली है, ऊर्जा है, वो 65% लोगों को मिलेगी। इसके बारे में कोई ख्याल नहीं हो रहा, बड़े बड़े उद्योगों को केवल ख्याल हो रहा हमारा। वो अच्छा है, वो भी करना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि उसी से लोगों को नौकरियां मिलेंगी, शहरों में लोग पनपेंगे और छोटे जो शहर हैं वो बड़े बनते जाएंगे, ये होगा। लेकिन जो सबसे कोने में आदमी है उसका ख्याल भी इसके अंदर करना पड़ेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों को सम्मानित करना निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय कार्य है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों को जगमग करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो किसान भाई बहनों, ये था कृषि दर्शन का आज का अंक। हमें उम्मीद है कि आज दिखाई गई जानकारियों से आप भरपूर लाभ उठाएं। फिर होगी आपसे मुलाकात कृषि दर्शन की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को इजाजत दें। नमस्कार।